नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान में तूफानी चुनावी दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पाली में अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई एक जाति और किसी एक समाज की पार्टी नहीं बल्कि सभी की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी माली, गुर्जर, जाट और अन्य जाति, अगड़े पिछड़े, दलित और आदिवासी सभी लोगों की पार्टी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पिछड़े समाज के लिए मोदी सरकार के दौरान क्या क्या किया गया ये भी बताया। शाह ने कहा कि जब से 2014 के चुनावों के बाद राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और सभी सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, मोदी ने पिछड़े समाज के विकास के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारी पार्टी ने सभी लोगों की सत्ता में भागीदारी की है। मैंने कहा भाई बड़ा ना, मैं भी तो बहुत प्रदेश घुमा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे सूची थमा दी कि साहब ये सभी कौमों की सूची है और इसमें से कौन कहां है इसका यादी है। मैं जरा पढ़कर दिखाता हूं आप लोगों को, मालूम रहना चाहिए। जाकर धोबी, यादव, गांची, खत्री, बघेल, बंजारा, कुमार, कुमावत, कवि, चौधरी, कलाल, माली, मुस्लिम, सिरवी, बिश्नोई, पाटीदार, राव, रावत, सत्या, सिंधी, सांधिया, स्वर्णकार, सहिन, डांगी, देवासी, चारण, तंवर, तेली, जांगीर, जाट, जाटसिक, नाई, नागर, अंजना, गोस्वामी, गुजर और लोधा, सभी को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में भागीदारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने। और यही विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। जयपुर संभाग में राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने की। इसमें संभाग के विधायक, जयपुर महापौर अशोक लाहोटी सहित कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में गौरव यात्रा के निकलने वाले स्थानों पर पार्टी की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में विचार किया गया। बाद में विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि 20 सितम्बर को ये यात्रा राजगढ़ के पास सिरौली से अलवर जिले में प्रवेश करेगी और कई स्थानों से होती हुई रात तक अलवर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रात में अलवर रुकने का कार्यक्रम है। आज राजस्थान गौरव यात्रा की जयपुर संभाग की बैठक श्री अरुण चतुर्वेदी के अध्यक्षता में हुई। यह जयपुर संभाग के विधायक और उसमें प्रभारी और जो अन्य प्रभारी हैं वो सब सम्मिलित हुए। मैं अलवर जिले का हूँ। अलवर ज़िले में यह यात्रा 20 तारीख को और हमारे अलवर की जो बॉर्डर है सुरेर गांव राजगढ़ से पहले वहां से लगभग 4 बजे एंट्री होगी, प्रवेश होगा। 4:30 बजे राजगढ़ में आम सभा है, उसके बाद में आम सभा के बाद लगभग 5:30 बजे 6 बजे 7 बजे तक मान लें क्योंकि सभा लेट भी चल सकती है, तो मालाखेड़ा में स्वागत है और ज़बरदस्त स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। उसके बाद अलवर शहर में राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले सरकार एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर बदलाव कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बाद अब डीजीपी को बदलने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार डीजीपी ओपी गल्होत्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री राजे और डीजीपी ओपी गल्होत्रा के बीच पटरी नहीं बैठ रही। राज्य में जिस तरह मोव लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उससे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खासी नाराज बताई जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि डीजीपी ओपी गल्होत्रा को बीएसएफ के डीजी के शर्मा के स्थान पर नियुक्ति दी जा सकती है। बता दें कि के शर्मा 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। राजस्थान के अलवर सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव की अभिशंसा और लोगों की मांग पर उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल ने किशनगंज अजमेर ट्रेन के खैरथल रेलवे स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दे दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल प्रबंधक सौम्या माथुर ने सांसद को पत्र जारी कर ठहराव करने और रेल को हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया गया। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जताई।
राजस्थान में बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी महिंद्रा आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गुड्डा और पिलानी तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एससी समाज के समारोह में सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी महिंद्रा ने बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आदेश के मुताबिक राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों का सम्मेलन कर उनके बीच सरकार के करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कांग्रेसी के आरोपों को लेकर सवाल किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी महिंद्रा ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के लैब टेक्नीशियन एक बार फिर आंदोलन की राह पर आ चुके हैं। संघ के प्रदेश प्रवक्ता महेश सैनी ने बताया कि अपनी वेतन विसंगति सहित अन्य गैर वित्तीय मांगों के लिए लैब टेक्नीशियन कैडर लगातार आंदोलनरत है। उन्होंने बताया कि अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की कार्य बहिष्कार को लेकर संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लैब जांच कार्य का बहिष्कार करेंगे। मौसमी बीमारियों के समय अगर लैब टेक्नीशियन कार्य बहिष्कार करते हैं तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। दिनांक 17 और 18 तारीख को कार्य बहिष्कार को लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन कल 17 और 18 तारीख को पूरे प्रदेश में सुबह 8 से 10 बजे तक पूरी लैबों को बंद करके बहिष्कार करेंगे और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानेगी तो पूरे प्रदेश भर में एक बार दोबारा पुनः हड़ताल पर जाएंगे। पिछले 3 साल से लगातार कई सकारात्मक आंदोलन करने के पश्चात अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने पिछले 2 दिनों के काली पट्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद में 17 और 18 तारीख को 2 घंटे कार्य बहिष्कार का फैसला किया है। सारे राजस्थान के समस्त लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक और अन्य हॉस्पिटल्स के 2 घंटे सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके पश्चात भी अगर हमारे इस मांगों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 24, 25, 26 हम इन तारीख को सामूहिक अवकाश लेकर धरना देंगे और उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। राजस्थान में अलवर के पूर्व ब्रह्मलीन बीजेपी सांसद महेंद्र चांदनाथ योगी की प्रथम पुण्यतिथि पर बहरोड़ में कल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा। ये शिविर पुराना बस स्टैंड के पास महावर भवन में आयोजित होगा। वहीं हरियाणा के रोहतक स्थित स्थल अबोहर के मठाधीश बालकनाथ महाराज ने बताया कि शिविर में जयपुर के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे और SMS अस्पताल की मेडिकल टीम ब्लड एकत्र करेगी। ये सब आयोजन हम महावर धर्मशाला पुराना बस स्टैंड के समीप स्थान तय किया गया है। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि पूज्य गुरु महाराज जी के प्रथम स्मृति दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दें। युवाओं से मेरा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें।